नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुनील शर्मा टेक श्याम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप OBS स्टूडियो के अंदर रिप्ले फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, रिप्ले बफर को आप यूज़ कर सकते हो। मान लो आप कोई गेम प्ले कर रहे हो, कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो और आप चाहते हो अपना पिछला 10 सेकेंड 15 सेकेंड या 20 सेकेंड का रिप्ले करना, पीछे से दिखाना, तो वो हम OBS स्टूडियो के अंदर कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर अपने PC पे इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस फोल्डर के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी मैं आज के वीडियो में यूज़ करूँगा वो सारी फाइल्स आपको इस फोल्डर के अंदर मिल जाएंगी। इस फोल्डर को अपने PC में डाउनलोड करने के बाद अब आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। OBS स्टूडियो के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, ज़्यादा सीखना है, तो OBS स्टूडियो की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप वहां से जाकर पूरा OBS स्टूडियो सीख सकते हो। आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि हम रिप्ले को कैसे यूज कर सकते हैं। तो मान लो आप कोई गेम प्ले कर रहे हो और गेम प्ले करते करते आप चाहते हो कि कोई रिप्ले आपको दिखाना है, तो रिप्ले दिखाने के लिए सीधी सी बात यह है कि आपको अपने गेम का कुछ क्लिप रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमें जाना होगा रिकॉर्डिंग सेटिंग में, लेकिन उससे पहले आपको अपने PC में एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जिस फोल्डर में जाके आपकी रिकॉर्डिंग, जो रिप्ले वाली रिकॉर्डिंग होगी, वो वहां जाके सेव हो जाएगी। तो मैं यहां पर अपने माय कंप्यूटर पे जाऊंगा। जैसे मान लो हमारा ये म्यूजिक वाला फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे, फोल्डर पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर फोल्डर का नाम दे दिया रिप्ले रिकॉर्ड, जिससे मुझे याद रहेगा। आप कोई भी नाम दे सकते हो। ये मैंने म्यूजिक वाला जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने रिप्ले रिकॉर्ड का एक फोल्डर बना दिया है। अब हमारी जो भी रिप्ले की रिकॉर्डिंग होगी वो इसके अंदर सेव हो जाएगी, इस फोल्डर के अंदर। तो ये फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसे फिलहाल बंद कर देते हैं और वापस हम अपने OBS स्टूडियो पर आ चुके हैं। अब OBS स्टूडियो के अंदर आपको रिकॉर्डिंग की सेटिंग करनी है। उसके लिए सेटिंग्स पर क्लिक करना है। अब आपको आउटपुट पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें जाना है रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर। रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो टाइप है, टाइप हमें स्टैंडर्ड रखना है, और उसके बाद ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्डिंग पाथ। अब यहाँ पर आपको वो वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है जो अभी हमने बनाया था। तो यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे और हमने म्यूजिक फोल्डर के अंदर अपना एक फोल्डर क्रिएट करा था, ये वाला रिप्ले रिकॉर्ड। तो रिप्ले रिकॉर्ड वाला जो फोल्डर अभी हमने बनाया था, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा जो रिकॉर्डिंग पाथ है वो ये वाला हो जाएगा। यानी अब हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी हमारी रिप्ले की रिकॉर्ड होगी, वो इस फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये वाला आपको टिक करके रखना है, जेनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है वो आपको MKV फॉर्मेट अभी हमने यहाँ पर कर रखा, आप इसको MP4 में कर लीजिए। ये जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है ये MP4 रखना है। ऑडियो ट्रैक मैंने यहाँ पर 1 और 2 सिलेक्ट कर रखा है। ऑडियो ट्रैक आप अगर 1 यूज़ कर रहे हो तो 1 रखो, अगर आप 2 ट्रैक यूज़ कर रहे हो तो 2 भी रख सकते हो। इसके बाद आपको अपना एनकोडर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ग्राफिक्स कार्ड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और रीस्केल आउटपुट ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप और नीचे जाओगे तो यहाँ पर जो रेट कंट्रोल है वो आपको CVR रखना है, और जो बिटरेट है, बिटरेट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 6000। ठीक है, जो भी बिटरेट है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 6000 KBPS बिटरेट सेट कर दिया है। की फ्रेम इंटरवल 0 रखना है, प्रीसेट क्वालिटी पे रखना है, प्रोफाइल हाई रखना है, और ये लुक अहेड और साइको विजुअल ट्यूनिंग इन्हें हमें टिक नहीं करना है, ये ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देने हैं। GPU 0 रखना है और मैक्स VFrame 2 रखना है। ये सेटिंग हमारी यहाँ पर हो गई। इसके बाद ऊपर की साइड यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऑप्शन आ रहा है रिप्ले बफर। रिप्ले बफर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इनेबल रिप्ले बफर पर क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। ये जैसे ही आप टिक करोगे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा मैक्सिमम रिप्ले टाइम, यानी आप कितने टाइम का रिप्ले सेव करना चाहते हो। अगर आप 20 सेकेंड रखना चाहते हो तो 20 सेकेंड रख सकते हो, 15 सेकेंड रख सकते हो, 30 सेकेंड रख सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि या तो आप इसे 15 सेकेंड रखो या 20 सेकेंड रखो। तो मैं इसे 20 सेकेंड पर ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको जाना है जनरल पर। ये जो जनरल सेटिंग है, जनरल पर क्लिक करो, और उसके बाद जनरल में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे की साइड, यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिकली स्टार्ट रिप्ले बफर बैन स्ट्रीमिंग, इसे हमें टिक कर देना है। इसे जब आप टिक कर दोगे तो इससे होगा ये, जब भी आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करोगे तो आपका जो बफर है वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको अलग से उसे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये सेटिंग्स करने के बाद अब आपको एक बार जाना है वीडियो पर, वीडियो पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारी सेटिंग्स हैं 920x1080p, हम यही रहने देंगे और जो हमारा फ्रेम रेट है वो हमने 60 fps कर रखा है, आप जो भी यूज़ करना चाहो उसके हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो। ये सब करने के बाद अब आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिखाई देने लगा है, स्टार्ट रिप्ले बफर। अब आपको स्टार्ट रिप्ले बफर पर क्लिक कर देना है। रिप्ले बफर है ये स्टार्ट हो चुका है लेकिन हमने इसे ऑटोमेटिक पर कर दिया है। अब जब भी आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करोगे तो ये बफर अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने इसे मैनुअली हमने इसे स्टार्ट किया है। उसके बाद आपको जो भी रिप्ले है, मान लो अब मैं कोई गेम खेल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ अपने पिछले 20 सेकंड का कोई भी रिप्ले देखना चाहता हूँ, रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपल इसके आगे जो सेव का ऑप्शन आ रहा है मैं इस पर क्लिक करूंगा, सेव रिप्ले पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपका पिछला 20 सेकंड का जो गेम है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, रिप्ले आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं चेक करने के लिए। अब जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो भी हमारा गेम चल रहा है, ये हमारा इस समय रिप्ले रिकॉर्ड हो रहा है, यानी उसी फोल्डर में जाके ये रिकॉर्ड हो जाएगा जो फोल्डर अभी हमने बनाया था, रिप्ले रिकॉर्ड करके एक फोल्डर हमने बनाया था अभी, उस फोल्डर में जाके ये सेव हो गया होगा। तो एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो रिप्ले था ये जाके सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो जाके देखते हैं, उसी फोल्डर में वापस चलेंगे जो हमारा म्यूजिक वाला फोल्डर था, इसमें हमने ये फोल्डर बनाया था रिप्ले रिकॉर्ड, इसको ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हो जो हमारा रिप्ले था वो यहाँ पर आ चुका है, ये वाली जो फाइल थी यहाँ हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो ये काम हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं और रिप्ले बफर को फिलहाल हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारी सेटिंग हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो रिप्ले बफर था वो हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है, लेकिन मान लो अब मैं यहाँ पर गेम खेल रहा हूँ और गेम खेलते खेलते मैं रिप्ले को दिखाऊंगा कैसे। तो रिप्ले को यहाँ शो करने के लिए हमें एक सीन क्रिएट करना होगा, अलग से हम एक सीन बना लेते हैं जिसमें हम अपने रिप्ले का जो वीडियो होगा उसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सीन के अंदर प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, एक नया सीन क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिप्ले सीन, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया रिप्ले सीन, आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक नया सीन बन चुका है रिप्ले सीन, इसके अंदर फिलहाल कुछ भी ऐड नहीं है। अब सबसे पहले हम उस वीडियो को इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो हमारी रिकॉर्डिंग अभी हुई है, रिप्ले रिकॉर्ड फोल्डर के अंदर जो अभी हमारी रिकॉर्डिंग हुई है उस मीडिया को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया सोर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं मीडिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया रिप्ले मीडिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ जो लूप का ऑप्शन आ रहा है इस पर हम टिक कर देंगे। अब जाएंगे हम ब्राउज पर और उसी फोल्डर के अंदर जाएंगे जो म्यूजिक वाला हमारा फोल्डर है, वहाँ जाएंगे, हमने वहाँ पर ये फोल्डर बनाया था रिप्ले रिकॉर्ड, इसको ओपन करेंगे और ये वाला जो हमारा वीडियो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारी वीडियो थी, जो रिप्ले वीडियो थी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिप्ले वीडियो हमारी यहाँ पर आ चुकी है, जो हमारी रिकॉर्ड हुई थी रिप्ले वीडियो ये यहाँ पर आ चुकी है। अब इसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कहाँ पर किस तरह से आप शो करना चाहते हो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। पूरी स्क्रीन पर अगर दिखाना चाहो तो पूरी स्क्रीन पर रख सकते हो, और आप इस तरह से अगर रखना चाहो तो ऐसे इसको सेट कर सकते हो। मान लो मैं स्क्रीन के इतने हिस्से पर इसे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना वेबकैम ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे भी आप इसको सेट करना चाहो कर सकते हो। कोई अगर आपको बैकग्राउंड इमेज लगानी हो, बैकग्राउंड वीडियो लगानी हो, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम एक इसके चारों तरफ एक फ्रेम और लगा देते हैं जिससे ये थोड़ी सी अच्छी लगने लगेगी। तो अब आपको क्या करना है, प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना है रिप्ले फ्रेम, ठीक है। यहाँ मैंने नाम दे दिया रिप्ले फ्रेम, इसके बाद ओके कर देते हैं और यहाँ पर ब्राउज में, अब ब्राउज करके आपको उस फोल्डर पर जाना है जो फोल्डर मैंने डाउनलोड करवाया था, उस फोल्डर के अंदर वहाँ पर आपको एक फ्रेम की इमेज मिल जाएगी, वो आप यहाँ पर चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ ब्राउज पर क्लिक करूँगा और जो फोल्डर मैंने आपको डाउनलोड करवाया था ये वाला फोल्डर है, वो इंस्टेंट रिप्ले कॉन्टेंट टेक्नो शाम, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको रिप्ले फ्रेम के नाम से ये इमेज मिल जाएगी, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, इसको हम ओके कर देंगे।
ये हमारे यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसको हम रिसाइज कर लेते हैं, इस फ्रेम को जैसे भी आपको रखना है उसके हिसाब से हम इसे रिसाइज कर लेंगे। तो अभी जो हमारी ये मीडिया वाली फाइल है, ये वाली फाइल इस साइड खिसका देते हैं, और ये जो हमारा फ्रेम है इसको आप जैसे रखना चाहो उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसे रख सकते हो। ठीक है, ये मान लो हमने यहाँ पर सेट कर दिया, और अब आप ये देख रहे हो जो हमारा वीडियो इमेज है, वीडियो इमेज इसके पीछे आ रहा है, तो इसे हमें वीडियो इमेज को इसके ऊपर लाना है। तो यहाँ पर सोर्स के अंदर आप देख रहे हो ये जो हमारा रिप्ले फ्रेम है इसको खिसका के हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे। तो अब आप देखोगे जो हमारी वीडियो इमेज थी वो इसके ऊपर आ चुकी है, यानी जो हमारी वीडियो क्लिप है वो इसके ऊपर आपको दिखाई देने लगी है। अब इसको बस आपको सेट कर देना है, रिसाइज कर देना है एक तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो रिप्ले का सीन था ये क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहो इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, बैकग्राउंड में आप अपना कोई वीडियो लगाना चाहो वीडियो लगा सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहो तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर इसी तरह से ये छोड़ रखा है, कोई भी बैकग्राउंड इमेज आपको लगानी है तो वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा गेम प्ले हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि रिप्ले के पीछे बैकग्राउंड में भी हमारा गेम ही प्ले होता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए, प्लस के बटन पर क्लिक करना है, और जो मीडिया सोर्स है मीडिया सोर्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो मेरा गेम वाला मीडिया सोर्स है वो है 9 नंबर का, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा मीडिया सोर्स 9, इसे सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारा जो वीडियो था, गेम का वीडियो जो हम खेल रहे थे वो यहाँ दिखाई देने लगेगा, लेकिन अब ये हमारे रिप्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो सोर्सेज में हम इस मीडिया सोर्स को नीचे ले जाएंगे, सबसे नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारी बैकग्राउंड में पहुँच जाएगा। अब आप देख सकते हो जो हमारा रिप्ले था, रिप्ले विंडो हमारी यहाँ दिखाई दे रही है, और इसके बैक साइड में भी हमारा वही गेम प्ले हो रहा है, ये गेम हमारा यहाँ पर प्ले हो रहा है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और देख लेनी है कि जो आपका रिप्ले है, रिप्ले का ऑडियो आपको यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो रिप्ले का ऑडियो है वो आपको यहाँ चेक कर लेना है। तो यहाँ आप देख रहे हो रिप्ले मीडिया, रिप्ले मीडिया ये है हमारा रिप्ले मीडिया, और रिप्ले मीडिया का जो ऑडियो है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है, यानी जब भी आप इस सीन को प्ले करोगे, रिप्ले वाले सीन को प्ले करोगे, तो आपका जो वॉइस है ऑडियो है वो भी आपका लाइव स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, तो ये चेक कर लेना है आपको एक बार। तो अब हमारा ये जो रिप्ले वाला सीन है पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। मान लो अब हमारा जो रिप्ले वाला सीन है, हम वापस हमें अपने मेन गेम वाले सीन पर जाना है, तो हम गेम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब हम वापस अपने गेम वाले सीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पर स्टार्ट रिप्ले बफर पर हम क्लिक कर देते हैं, हमारा बफर यहाँ स्टार्ट हो चुका है। और अब मान लो आपका जो गेम आप प्ले कर रहे हो, यहाँ पर आप चाहते हो कि पिछले 20 सेकेंड का यहाँ पर रिप्ले हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आ रहा है रिप्ले सेव का बटन आ रहा है, इस पर एक बार आप क्लिक कर दो, तो अब जो आपके 20 सेकेंड की जो भी रिकॉर्डिंग होगी पिछले 20 सेकेंड की, वो आपके बफर में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, वो वहाँ जाके सेव हो चुकी है। अब आप चाहते हो कि हमें उसे दिखाना है, यहाँ पर हमारी सेव तो हो गई, अब आपको दिखाना कैसे है, तो दिखाने के लिए आपको रिप्ले वाला सीन यहाँ पर स्विच करना होगा, रिप्ले सीन पर चले जाओ आप। तो जो अभी हमने यहाँ पर रिप्ले वाला जो हमारा ये था, ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा आ चुका है, रिप्ले हमारा आ चुका है, और वापस आपको अपने गेम वाले सीन पर जाना है, तो यहाँ गेम पर हमें क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि हमें यहाँ पर मैनुअली अपने माउस से यहाँ पर सीन को चेंज करना पड़ रहा है ना, जब हम गेम पे क्लिक कर रहे हैं, फिर हम रिप्ले सीन पर क्लिक कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पर यहाँ क्लिक कर रहे हैं कि सेव बफर सेव रिप्ले यहाँ पर करना पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, हॉटकीज़ बना देंगे इनकी। हॉटकीज़ मतलब एक की आप प्रेस करोगे तो सीन चेंज हो जाएगा, आप दूसरी की प्रेस करोगे तो आपका रिप्ले बफर सेव हो जाएगा, और आप फिर से तीसरी की प्रेस करोगे तो आपका जो गेम का मेन सीन है वो आ जाएगा। तो ये सब हम हॉटकीज़ भी इसकी बना देते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक छोटी सी और बहुत ही ज़रूरी सेटिंग करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, टूल्स पर क्लिक करना है आपको, और उसके बाद आपको यहाँ स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्क्रिप्ट्स पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ एक प्लस का बटन दिखाई देगा, प्लस पर क्लिक करना है, और उसके बाद जो मैंने आपको फोल्डर डाउनलोड करवाया था उस फोल्डर पर आपको जाना है। तो जो फोल्डर हमने डाउनलोड करवाया था वो फोल्डर है इंस्टेंट रिप्ले कंटेंट टेक्नोशाम, इसे ओपन करना है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर ये रिप्ले की एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी जो मैंने फोल्डर में दे रखी है, इंस्टेंट रिप्ले डॉट लुगा,
इसे आपको सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। तो ये वाली जो इंस्टेंट रिप्ले लुआ वाली जो स्क्रिप्ट है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है, ये जो मीडिया सोर्स है, मीडिया सोर्स में आपको क्या सिलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मीडिया सोर्स के अंदर आपको वो वाली फाइल सिलेक्ट करनी है जो कि हमने अपने रिप्ले वाले सीन में, ये जो रिप्ले वाला सीन बनाया है इसमें हमने जो मीडिया सिलेक्ट किया था ये वाला मीडिया, रिप्ले मीडिया फाइल, समझ गए, रिप्ले मीडिया फाइल, यानी जो हमारी फोल्डर में जाके सेव हुई थी रिप्ले मीडिया फाइल, इस रिप्ले मीडिया फाइल को हमें सिलेक्ट करना है अपनी स्क्रिप्ट में। ये जो हमारी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में या मीडिया सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको टिक करना है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो यहाँ आ रहा है रिप्ले मीडिया, ये वाली फाइल हमें सिलेक्ट करनी है, इसका बहुत ध्यान रखना है। अगर ये आप ढंग से सिलेक्ट नहीं कर पाओगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये रिप्ले मीडिया सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ क्लोज पर क्लिक कर देना है। अब आपका कंप्लीट सेटअप यहाँ पर हो चुका है। अब आपको हॉट कीज बनानी है, इसकी हॉट कीज हम बना लेते हैं कि कौन सा कैसे काम करेगा। हॉट कीज बनाने से पहले इन सबको हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं जिससे ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकेंगे। अब हम यहाँ पर हॉट कीज असाइन करने वाले हैं, हॉट कीज बनाने वाले हैं। अब हॉट कीज बनाने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, हॉट कीज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देखो सबसे पहले हम एक हॉट की बनाएंगे इंस्टेंट रिप्ले सेव की, यानी हम एक बटन दबाएं और जो हमारा इंस्टेंट रिप्ले है वो सेव हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक इंस्टेंट रिप्ले का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देख रहे हो आप यहाँ पर इंस्टेंट रिप्ले, ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी की आप बना सकते हो, तो मैं यहाँ पर कोई भी की यहाँ पर बना देता हूँ। मैं यहाँ पर एक नंबर की बना देता हूँ, जो हमारी यहाँ पर साइड में कीबोर्ड के नंबर होते हैं, यहाँ पर जो पहला वाला बटन है एक नंबर, उसे मैं दबाता हूँ तो ये हमारा एक नंबर हो गया। यानी मैं अपने कीबोर्ड पर जब एक दबाऊंगा तो हमारा इंस्टेंट रिप्ले चालू हो जाएगा, यानी सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर की हमारी ये हो गई। उसके बाद जो दूसरी की है वो हम बनाएंगे रिप्ले सीन की, कि यानी हमारा इंस्टेंट रिप्ले सेव तो हो गया लेकिन जब हम उसके सीन को हम कैसे स्विच करेंगे। ठीक है, तो सेव करने के बाद फिर जब हम दो नंबर दबाएंगे तो हमारा रिप्ले सीन दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ देखते हैं रिप्ले सीन हमारा कहाँ है। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पर आपका रिप्ले सीन भी दिख जाएगा, नीचे 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 और नीचे जाएंगे, देखते हैं कहाँ है रिप्ले सीन। तो ये हमारा यहाँ पर रिप्ले सीन जो हमने सीन बनाया था, ये रिप्ले सीन यहाँ दिखाई दे रहा, और यहाँ पर स्विच टू सीन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम दो नंबर की बना देते हैं, मैंने दो नंबर प्रेस कर दिया तो अब हमारा दो नंबर जो की है, यानी जब मैं दो दबाऊंगा तो हमारा रिप्ले सीन दिखाई देने लगेगा। अब दो नंबर दबाएंगे तो रिप्ले सीन तो दिखाई देने लगेगा, लेकिन उसके बाद हमें अपने गेम वाले सीन पर वापस जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम तीन नंबर की बना देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा गेम वाला सीन इसमें दिख जाएगा। तो यहाँ जो भी सीन आपने बनाया होगा वो आप देख सकते हो, ये हमारा गेम वाला सीन आ गया। और यहाँ पर हम दे देते हैं तीन नंबर, ठीक है, यहाँ मैं दे देता हूँ, इसे दे देता हूँ तीन नंबर। ठीक है, अब जब हम तीन नंबर दबाएंगे तो हमारा गेम वाला सीन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सारी हॉटकीज बना दी हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी यहाँ पर कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है, आपकी रिप्ले की कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। अब मान लो इस समय आप यहाँ पर गेम प्ले कर रहे हो, अब मान लो आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, यहाँ पर कोई गेम खेल रहे हो, या फिर आप भी कोई भी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, आप चाहते हो पिछले 20 सेकंड का या 10 सेकंड 15 सेकंड का रिप्ले आप शो करना चाहते हो, तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा। सिंपल, रिप्ले को सेव करने के लिए मैं एक नंबर की दबाऊंगा, मैंने यहाँ एक नंबर की दबाई, हमारा रिप्ले यहाँ पर सेव हो जाएगा, 20 सेकंड का, पिछले 20 सेकंड का रिप्ले हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब जैसे ही हमारे 20 सेकंड हुए, अब मान लो मैं उसे शो करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, रिप्ले वाला सीन यहाँ लेके आऊँगा। अब रिप्ले सीन लेके आने के लिए हम दो नंबर दबाएंगे, तो जैसे मैंने दो नंबर दबाया यहाँ पर हमारा पिछले 20 सेकंड का रिप्ले यहाँ दिखाई देने लगा। अब रिप्ले दिखाने के बाद वापस मुझे अपने गेम वाले सीन पर जाना है, तो मैं तीन नंबर दबाऊंगा और वापस गेम वाली विंडो पर आ जाऊंगा। मैं वापस यहाँ पर आ चुका हूँ, तो वापस से फिर से मुझे वही प्रोसीजर करना है, मुझे एक दबाना है, ये यहाँ सेव हो जाएगा, उसके बाद मुझे दो दबाना है, मेरा रिप्ले यहाँ पर आ जाएगा, फिर मैं यहाँ पर तीन दबाऊंगा, मैं वापस अपने सीन में आ चुका हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा OBS स्टूडियो के अंदर बहुत ही आसानी से आप भी रिप्ले फंक्शन को यूज कर सकते हो
और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, किसी भी तरह का आप टेम्पलेट यहाँ लगा सकते हो, ओवरलेज यूज़ कर सकते हो, वो आपका अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि किस तरह का आप डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक है रिप्ले का, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।